हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। और आप लोगों से एक बात करनी है कि आखिरी के दो ब्लॉगों पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा, तो वैसा ही रिस्पांस बाकी ब्लॉग्स को भी आप लोग देते रहें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम लोग यानी कि आज मैं, अनुज, मोहित और एक और बंदा है जिसका नाम हम रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है, सीक्रेट सेंटा। तो हम चार जने फाइनली आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए और हम लाए हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान। तो गाइज, हम फाइनली अब जा रहे हैं पानी के रास्ते से यूक्रेन। हम उनको जो है बल शक्ति प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हम चार व्यक्तियों का ये बोट जा रहा है, काफिला जा रहा है। हम लोग यूक्रेन में जा रहे हैं, मैं रशिया के सपोर्ट में जा रहा हूँ, ठीक है। ये गाइस, ये रशिया के सपोर्ट में है। भाई तू किसके सपोर्ट में है? एंटी नेशनल है ये एंटी नेशनल है ये भाई भरा है न्यूट्रल मैं न्यूट्रल भाई न्यूट्रल ये नोटा के नोटा फैक्ट्री का ये आदमी इस बोट के संचालक है हमारे मिस्टर अनुज वर्मा। और ये यहाँ पर गियर है, ये अलग अलग गियर लगाए जा रहे हैं। आई हैव द इंटरनेशनल लाइसेंस, बोट चलाने का लाइसेंस भाई को मिला हुआ है, हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए इन्होंने मेरे को सारी भाग दौड़ दे रखी है। आनंद आ रहा है, बिल्कुल परम आनंद। ये LIC नहीं, ये बोट की सेवा है। कुछ बोलेंगे आप? अभी ये संचालक बिजी है, इसको समझ नहीं आ रहा। नहीं 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 बहुत सही, मतलब फील आ रहा है, फील आ रहा है। हाँ बिल्कुल फील आ रहा है। शाम के आप अपने लव्ड वंस के साथ जरूर आए। ये मजाक था, पकड़ को। और गाइस, हम मुकुंदपुर पहुंचने वाले हैं। बोट चलाते चलाते बलसवा से मुकुंदपुर पहुंचने वाले हैं और फिर इसके बाद जस्ट यूक्रेन का ही बॉर्डर है। बिल्कुल यहीं से लगा हुआ है। यहीं से लगा हुआ है, बस उनको शक्ति बल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चार जने निहत्ते जा रहे हैं। और ये देखिए कुछ सामान लाए हम लोग लाए हैं, ये कुछ सामान खाने पीने का। और ये बोट अपने आप चल रही है। मैंने घुमाई यार, गियर लगाई है भाई इसने। और गाइस, हमारे पीछे जा रही है सस्ती क्रूज, जा रही है। देखिए ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने भी क्रिप्टो में लगा रखा है। जिस दिन मेरे पड़ जाएंगे, ये वही वाली बोट है जिसमें आर्यन खान पकड़ा गया, ड्रग केस में पकड़ा गया था। तो गाइस, सस्ते सौदे में चार जने बोटिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त फील लेके, ठीक है। और मतलब मजा आ रहा है। और ये जो टाइम है हमारा, मतलब 5:30 से 6 बजे का टाइम, और हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, ठीक है, सुहानी हवा, कोई गर्मी वगैरह वाला माहौल नहीं है। और हमारी तरह और भी लोग आए हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। लास्ट टाइम तो बहुत ही ज्यादा तेज हवा चल रही थी, तो इशू हो रहा था, लोग चला नहीं पा रहे थे। अभी हम लोग आए हुए हैं चार जने और हवा भी उतनी तेज नहीं है, तो मस्त फील आ रहा है। और दोस्तों, और अब हमको ये पार्टी देंगे समोसा, क्या बोलते हैं, मोमोज, मोमोज की, ठीक है। मैं कूद रहा हूँ उसी में। तुम्हें मोमोज निकलाऊंगा तो भाई ये कह रहा है कि मोमोज नहीं खिलाएगा, भले ही अपनी जान दे दे। ओए 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 ओए, वेट एंड वॉच। सही है, भला साजिद में मरा एक ब्लॉगर का सनसनी डूबा। तो गाइस, चैनल मेरे नाम कर दियो। तो गाइस, प्राइस था 130 रुपए, 130 रुपए में चार जने जा सकते हैं और आधा घंटा आप लोग वहाँ बोटिंग कर सकते हो। बेहतर अब फील आ जाएगा, बिल्कुल जिंदगी में ऐसा लगेगा भाई कुछ करने को नहीं था, तो आप यहाँ पर आके कुछ कर सकते हो। हमारी तो बोटिंग खत्म हो गई और आधे घंटे हमने जिंदगी के जी लिए, बिल्कुल बेहतर वाले। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर। वैसे तो हमारा मतलब कुछ प्लान नहीं था, बट हम लोग यहीं से जा रहे थे,
तो हमने सोचा कि भाई उस दिन हमारी अधूरी ख्वाहिश रह गई थी तो आज पूरी कर ली जाए, तो इसलिए हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए, है ना भाई? हाँ। तो गाइस अभी आ गए हम अपने घर और अब थोड़ा सा नहा वहा के निकलेंगे थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ। और हमारे एरिया में नया एक वी मार्ट खुला है तो हम जा रहे हैं उसमें देखने के लिए कि एक्चुअल में है कैसा। हालांकि इससे पहले हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट, तो मतलब विशाल मेगा मार्ट के बारे में तो हमको पता है, एक बार देख के आते हैं कि वी मार्ट भी कैसा है। तो चलिए दिखाता हूँ। और ये देखो हमारे प्लान में कुछ चेंजेस हुए, ये महाराज जी आए हैं हमारे साथ। से हाय टू गाइस। तो गाइस अभी हम वी मार्ट के नजदीकी क्षेत्र में पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में आप पहुंच भी जाएंगे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं वी मार्ट पे और अंदर जाके देखते हैं, चलो आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम रेड कारपेट पे चल रहे हैं। गाइस अभी हम लेने आए कपड़े हैं और ये बंदा जो है इसकी स्ट्रेटेजी यही है कि कपड़ा ढूंढो लेकिन सबसे पहले रेट ढूंढो। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे कम रेट कितने का, 150? नहीं, 150 का तो है लेकिन घटिया सबसे कपड़ा है, 150 का है बट विशाल मेगा मार्ट से बढ़िया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। गाइस यहाँ भाई ने लिया तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो बोला कि भाई कुछ तो अपनी छाप छोड़ के जानी है तो यहाँ पे वॉशरूम यूज कर लिया इसने। गाइस हम लोग गए तो थे वी मार्ट में बट हमको कुछ पसंद वगैरह आया नहीं, अभी हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट में अपनी यादें ताजा करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है लास्ट टाइम हमारे साथ क्या हो गया था। इस बार पूरी सेफ्टी के साथ जाएंगे। गाइस इन लोगों ने इतने कपड़े देख लिए, पसंद इनको एक भी नहीं आ रहा, ठीक है, और खाली पीली यहाँ के जो सही से रखने वाला सामान बाजार का काम बढ़ा रहे हैं और ऊपर। और ये व्यक्ति जो है ना, ये जो व्यक्ति है इसको कोई मतलब नहीं है लेने देने से, ये बस आया है यहाँ पे जो है रैक में से कपड़े खराब करने के लिए। और ये गाइस जिम जाने का स्टार्टर पैक। भाई आपने लिया क्या अभी तक? एक्सपीरियंस वो तर्राई से काट रही है ओम पो। तो गाइज हमने शॉपिंग कर ली है और हमने इतनी शॉपिंग करी है कि हमारे पास ले जाने के लिए बैग वैग था नहीं, तो हमने सारा जो है यहीं छोड़ दिया। गाइज हमको यहाँ आधा घंटा हो गया है, यहाँ पे जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। ए कहाँ पे गाइज? ये मेरे को हल्का ब्लॉगर समझ रहे हो है, है भी ब्लॉगर हूँ। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मोमोज खाने के लिए। ये देखो गाइस अभी हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए और ये देखिए ये अनुज भाई कुछ चूस के खा रहा है और पकड़ियो ये मोहित है, ये देखो मोहित अपना प्लेट में दिखा रहा है कितना है। ये भाई साहब इसको तो 2 सेकंड नहीं लगते सारी चीज़ें खाने में। तो गाइस अभी हम लोग खाने पीने के लिए आए थे, मेरे को तो मोमोज बिल्कुल घटिया से लगे क्योंकि मैंने पहले ही खाया और उसके बाद मैंने बाकी का खाया ही नहीं, बाकी इन दोनों ने खाया मेरा मोमोज तेरे नहीं थे वो। हाँ मतलब खरीदे थे हमने उससे। तो
दोस्तों जब गए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अभी मैं घर आ गया हूँ और कितनी गर्मी लग रही थी, तेल निकल गया। अपना काम है कि एडिट करना और एडिट करने के बाद आपके सामने पेश करना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। बहुत लंबा जिंदगी का बहुत लंबा सफर मेरे भाई है, जिंदगी का बहुत लंबा सफर मेरे भाई है।